नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एरिसेप टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है एरिसप टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और एरिसेप टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिस्कस करेंगे कि एरिसेप टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए एरेसेप टैबलेट का उपयोग अल्जाइमर डिजीज होने आरोप किया जाता है अल्जाइमर डिजीज एक दिमाग की बीमारी है अल्जाइमर डिजीज होने आरोप याददाश्त का कमजोर होना कुछ याद न रख पाना सोचने और समझने में मुश्किल होना और कन्फ्यूजन होना आदि लक्षण अल्जाइमर डिजीज होने पर हो सकते हैं एरिसेप टैबलेट अल्जाइमर डिजीज को जड़ से खत्म नहीं करती है एरिसप टैबलेट अल्जाइमर डिजीज के इन लक्षणों को केवल नियंत्रण करने व कम करने में मदद करती है एरिसेप एक ब्रांड नेम है एरिसेप टैबलेट के अंदर सोल्ट कम्पोजिशन डोनेपेजिल होता है एरिसेप टैबलेट पाँच एम दस एम और तेईस एम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में एरिसेप टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में एरिसेप टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे उल्टी आना उल्टी आने का मन होना नींद न आना मांसपेशियों में जकड़न व एंथन होना शरीर में थकान होना भूख कम होना और दस्त होना आदि साइड इफेक्ट्स एरेसेप टैबलेट की वजह से हो सकते हैं कुछ व्यक्तियों में एरिसेप टैबलेट की वजह से नींद ज्यादा आने की समस्या भी हो सकती है एरेसेप तेईस एम टैबलेट को लेने वाले व्यक्तियों में शरीर का वजन कम हो सकता है अब हम डिस्कस करेंगे कि एरिसेप टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है एरेसेप टैबलेट को खाना खाने ऐसी पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर एरिसेप 5 एम जी टैबलेट या एरिसेप 10 एम जी को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन अल्जाइमर डिजीज की गंभीरता ज्यादा होने आरोप डॉक्टर एरिसेप तेईस एम टैबलेट को भी दिन में एक बार लेने की सलाह दे सकते हैं एरिसेप टैबलेट को शाम के समय लेना रिकमेंडेड होता है एरिसेप टैबलेट की डोज उम्र शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको एरेप टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि एरिसेप टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए अगर किसी व्यक्ति को एरिसेप टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रीडियंट जैसे डोनेपेजिल आदि से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को एरिसेप टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए एरिसेप टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एरिसेप टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका एरिसेप टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं